जुलुम सिंह सिपाही महाराज, आज मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ तुम्हें पता है? किस कारण मुझे बुलाए हैं महाराज? जुलुम सिंह, तुम जानते हो कि मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। हाँ महाराज, तुम मेरा दहना अंग है, तुम मेरा बहुत प्यारा सिपाही है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम सच सच बताएगा ना? अवश्य महाराज, बताइए क्या बात है महाराज। झुलुम सिंह, ये बताओ कि छोटी महारानी क्या ईंट को पैदा किया है? हाँ महाराज, छोटी महारानी टैनी है, पिचासनी है, आज वो अपना बालक के खा गई है, कल हो सकता है टोला पड़ोस में बच्चा का खाएगा, भाई लोग के खाएगा, कल हो सकता है आपकी खा जाएगी, मेरा भी खा सकती है। महाराज, वो छोटी महारानी डैनी है, पिजासनी है, क्या ये सोनापुर शहर में रहने लायक नहीं है? महाराज सच मैं बोल रहा हूँ। तुम सच कहता है? हाँ महाराज, कि छोटी महारानी डैनी है। हाँ महाराज, पिचासनी है, अपनी पुत्र को खा गई है। हाँ महाराज, तुम सच कहते हो? हाँ महाराज, ठीक है ठीक है ठीक है महाराज, वो पिचासनी है, मैं उस पापनी को मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जुलुम सिंह, मैं उसे पूछूंगा, समझ गया? ठीक है महाराज, ठीक है, तुम जाओ। जा रहा हूं महारानी, चल रहा हूं महाराज। ठीक है, वो आराम आती है तो मैं उसे पूछूंगा। भगवान, आज मैं सोनापुर शहर में दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है। हे भगवान, आज बांझी का नाम सोनापुर शहर में छूट गया। आज महाराज आएंगे ना तो मैं नाक में सोना लूंगी और कान में भी मैं सोना लूंगी और हाथ में पहुंची लूंगी और गले में मैं सिकरी लूंगी और पैर में मैं पायल लूंगी। तब महाराज को मैं कहूंगी, खुश के तारा बहिनिया आए सोनपुरा में बजतई बहिनिया,
छोटी महारानी प्रणाम स्वामीनाथ। खुश रहो खुश रहो। एक आवश्यक सूचना, प्रदीप सहनी जी, प्रदीप सहनी जी, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक तो गूंजता हो तो आप अपने काम पे चले जाएं, आप अपने ड्यूटी पर चले जाएं, प्रदीप सहनी। और जो सामान घाटा भरा हुआ है समिति से मिल ले। छोटी महारानी। हाँ स्वामी। क्या तूने मुझे बुलाई हो? और आज मैं तुम्हें हलचल में देखता हूँ। हाँ, क्या बात है? हाँ हाँ, आज तो खुशी है स्वामी। अच्छा, आपको भी खुशी रहना चाहिए। मुझे भी खुशी रहना चाहिए। हे स्वामीनाथ, आपकी जितना दोस्त तैयार है ना सोनापुर शहर में, हाँ हाँ, उनको बुला लीजिए। अच्छा, और सोनापुर का जितना खजाना है सब लुटा दीजिए। अच्छा, किस लिए मैं लुटा दूं? क्या मैं सोनापुर का खजाना किस लिए लुटाऊंगा? वो तो स्वामी, जब तक आप हमें नाक में सोना नहीं दीजिएगा तब तक मैं नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें नाक में सोना दूंगा, मुझे बताओ। क्या आपका पता नहीं है? मुझे तो कुछ पता नहीं है। हे स्वामीनाथ, आज मुझे बालक पैदा लिए हैं। क्या तुम्हें बालक पैदा लिया है? हाँ हाँ। कहाँ है बालक? मुझे दिखाओ, मुझे गोद में दो, मैं देखूंगा अपनी पुत्र को। क्या? हाँ हाँ। हे स्वामी, सोनापुर की खजाना लुटा दो। हाँ हाँ, मैंने कहा कि मैं खजाना लुटा दूंगा, लेकिन तुम मेरा पुत्र तो दो, मैं देखूंगा ना पुत्र को। हाँ हाँ। हे स्वामी, मैंने सोयरी घर में मैंने दर्द से बेचैन थी। अच्छा, और बड़ी दीदी ने बालक को लेकर रंगमहल तक गए हैं। अच्छा। हाँ, बड़ी दीदी तुम्हारी बालक को लेकर रंगमहल गई है? हाँ हाँ। क्या तुम्हारे पास नहीं है? हे स्वामी, मैं सच्ची कहती हूँ, मैंने सोयरी घर में मैंने उस वक्त मैंने बहुत ही दर्द से बेचैन थी। अच्छा। और बड़ी दीदी ने बालक को लेकर रंगमहल तक गए हैं। अच्छा, बड़ी दीदी ने बालक को लेकर रंगमहल तक गई है, ठीक है। बालक तो पैदा किया है तुम, और ले गई बड़ी महारानी? हे स्वामी, आप तो बात को मुझे यकीन करो, मैंने उस घड़ी दर्द से बेचैन थी। अच्छा, बड़ी दीदी ने बालक को लेकर महल तक गई है। छोटी महारानी, जो बालक तुम बड़ी दीदी को कह रही हो लेकर गई है, हाँ हाँ, वो बालक मेरे पास है। हे स्वामी, आपके पास? हाँ हाँ। हे स्वामी, मुझे बालक दे दो, मैं बालक को अपनी दूध पिलाऊंगी। अच्छा, मैं दे रहा हूँ।
ठीक है मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जंगल से खट्टा आम इमली लेकर मैं आऊंगा। कैसे जान सकते हो इसका इसका रास्ता मेरे पास है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास एक हरी घंट है, समझ गई, और मैं जहां भी कहीं रहूंगा और तुम जब इस हरी घंट को बजाओगी तो मैं तुम्हारे पास तुरंत चला आऊंगा। देखो मैं तुम्हें बजा कर दिखाता हूं। तुम बजाना मैं तुम्हारे पास तुरंत चला आऊंगा। ये लो ठीक है, अब मैं चल रहा हूं, समझ गई महारानी, ठीक है मैं चल रहा हूं। महाराज कहे कि महारानी तुम्हें कोई आफत विपत्त हो जाए तो एक हरी घंट का बजा देना, मैं जल्द से वापस चला आऊंगा। तो ठीक है मैं हरी घंट को जाकर देखती हूँ महाराज आते हैं कि नहीं। क्या बात है महारानी, तुमने मुझे बुलाई? महाराज आपकी मैंने जांच रही थी कि महाराज आते हैं कि नहीं। क्या मैं ऐसा नहीं हूं? जब तुम अपनी तन और मन धन से तुम मुझको याद करेगी तो मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। ठीक है महाराज, अब मैं चलू। दूसरी बात, मैं घड़ी घंट बजाकर देखती हूं महाराज आते हैं कि नहीं। क्या बात है महारानी, तुमने मुझे बुलाई? महाराज आपसे मैंने मजाक कर रही थी। क्या तुम मुझसे मजाक करती है? हाँ हाँ, अब के बाद तुमसे मजाक मत करना महारानी। घंट को बजाती हो तो मुझे आना पड़ता है, इसलिए अब से तुम मजाक मत करना, क्योंकि मजाक में कुछ अलग ढंग का मजाक हो जाएगा, समझ गई? अब मैं चलो, ठीक है अब की बार से तुम मजाक मत करना। क्या सब महाराज दूसरी बार आए तो बोले कि महारानी मजाक मजाक में सुजाक हो जाएगा, तुम हमसे मजाक मत करो। मैं तीसरी बात घड़ी घंट में बजाती हूँ महाराज आते हैं कि नहीं। क्या बात है महारानी, तीसरी बार मैंने घड़ी घंट बजाया लेकिन स्वामीनाथ नहीं आए, ना जाने अब मुझे क्या होगी, हमें कोई देखने वाले नहीं है, मैं क्या करूं? Oh!
मुझे पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगती है, मैं क्या करूं? स्वामीनाथ भी छोड़कर जंगल चला गया शिकार खेलने के लिए। अब लगता है कि मैं नहीं बचूंगी विधाता। क्या करो, मुझे पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगती। छान छान आए छक पर आए। हे भगवान, मैं क्या करूं? अचानक मुझे जोर से पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगती है। कभी जोर से दर्द, कभी धीरे धीरे दर्द। मैं क्या मैं गया अपना बहन, क्या हुआ? क्या कोई सा वैद्य बुलवा दूं? डॉक्टर को बुलवा दूं? नहीं। क्या उषा को बुलवा दूं? नहीं। सुई लगवा दूं? नहीं। तो नहीं नहीं तो क्या बात है? तो क्या हो रहा है बहन?
हाँ मैं कैसी बताऊँ, मुझे बताने में शर्म लगती है। हाँ 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 बताने में शर्म लगती है, क्यों नहीं बताओगी बहन? सभी आदमी ने अपना अपना में बताते हैं, बोलो क्या हुआ है? बोलो ना जल्द से क्या हुआ है बहन। हाँ मुझे बालक पैदा होगा। शौकत क्या प्रसाद तो खाए छोबो सोता, लेकिन इसको कैसे ऐसा हुआ? हाँ हाँ बहन देखो, इसको तो मैंने प्रसाद नहीं दी। हाँ हाँ बहन कहीं तो भी छोड़ भी नहीं सकी हूँ हम लोग, लेकिन फिर भी ये गर्भवती कई मैं कई आप नहीं रहे बाप रे आओ कई बाहर आप नहीं रहे। कुछ सुनो यहाँ महाराज। दीदी दीदी क्या हुआ? मुझे जल्द से बताओ कोई उपाय ना तो मैं मर जाऊंगी। क्या इस सोनापुर शहर में डगरी नहीं है? नहीं नहीं यहाँ कोई महाराज को महाराज बसाए हुए हैं, यहाँ कोई चमैन और डगरी नहीं है। क्या इस सोनापुर शहर में महाराज सभी जात को बसाए? हाँ लेकिन डगरी को नहीं बसाए। नहीं नहीं दीदी। हाँ तो इस सोनापुर शहर में बालक कैसे पैदा होता है? हाँ, बालक कैसे पैदा होता है वो बात हमसे पूछो। मुझे कैसे बताओ? सुनो चूल्ही में पैर करो कोठी में मोरी करो, उसी तरह बच्चा तुम्हारा आस्ते आस्ते पैदा हो जाए। हाँ, से करो ना तो मैं मर जाऊं। चलो करो बाना बाई।